हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी की इस नई वीडियो के साथ। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें, मोटापा घटाएं, नसों में ब्लॉकेज हो, सुस्ती और आलस के शिकार हों, शरीर की इम्यूनिटी कम हो, तो ये काढ़ा 10 गुना तेजी से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ये काढ़ा शरीर की सारी गंदगी का सफाया करेगा और आज के टाइम को देखते हुए ये काढ़ा आपके लिए रामबाण औषधि साबित हो सकता है, क्योंकि ये एंटीवायरस काढ़ा है। ये आपको किसी भी वायरस से दूर रखेगा और आपके लिए बेहद कारगर औषधि है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हर सुबह खाली पेट अगर आप इसे पिए तो हजार तरह की बीमारियां, कब्ज, एसिडिटी, जलन, मोटापा, हार्ट ब्लॉकेज जैसी कई समस्याओं को ये खत्म करने में कैसे मदद करता है और कैसे ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। जानने से पहले यदि आपने हेल्थ टिप्स ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर घंटी को ऑन करें, जिससे कि आप आने वाली सभी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दोस्तों, इस काढ़े में हमने इस्तेमाल किया है अदरक का, और अदरक की अगर हम बात करें तो अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी तत्व सुस्ती आलस को खत्म करता है। अदरक खांसी, फ्लू और सांस के रोगों के लिए बेहद कारगर है। ये 80 से भी ज्यादा रोगों को आपके शरीर से दूर रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक बेहद कारगर औषधि है। ये पेट से जुड़े रोगों को दूर करती है, अपच और गैस एसिडिटी को खत्म करती है। हमने यहाँ पर लौंग का इस्तेमाल किया है और लौंग, मैंने यहाँ पर 3 लौंग का प्रयोग किया है इस काढ़े को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी मात्रा को हमें ध्यान में रखना है। और लौंग एक एंटीसेप्टिक औषधि है। ये अपच को ठीक करती है और हार्ट से संबंधित कई सारी बीमारियों को दूर करती है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखती है और शरीर की शुद्धि के लिए बेहद कारगर है। दोस्तों, हमने यहाँ पर पुदीने का प्रयोग किया है इस काढ़े में। आप इसकी जगह तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की शुद्धि के लिए पुदीना बेहद फायदेमंद होता है। ये लिवर की सफाई करता है। पुदीना एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस तत्वों से भरपूर है, इसलिए ये आपको किसी भी तरह के वायरस से आपके शरीर को दूर रखता है। आपको यहाँ पर चाय पत्ती का प्रयोग अपने स्वाद के अनुसार ही करना है। हमने इसमें गुड़ या शक्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ या शक्कर आपके पेट से संबंधित कई रोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये गैस एसिडिटी की समस्या को दूर करता है। शक्कर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा होती है, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है, और शक्कर के इस्तेमाल से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ख़त्म होता है, और रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, और आपको यहाँ पर दालचीनी का भी प्रयोग करना है। दालचीनी के बारे में अगर आप वीडियो अलग से देखना चाहते हैं, इसके क्या फायदे हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। दालचीनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहद कारगर औषधि है। ये दिल को स्वस्थ रखती है, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को दूर करती है, शरीर की कई तरह की बीमारी को दूर करती है, लेकिन आपको दालचीनी का प्रयोग कम मात्रा में ही करना होता है। तो दोस्तों, इस काढ़े को तैयार करने के लिए आप इस तरह का कोई स्टील का एक बर्तन ले लीजिए या पैन ले लीजिए, और इसमें आपको 2 कप पानी का प्रयोग करना है। सबसे पहले इसमें डालिए काली मिर्च, और उसके बाद ये कुटा हुआ अदरक आप इसमें डालिए। एक छोटा टुकड़ा अदरक का कुटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। 3 ये इलायची भी इसके अंदर डाल देंगे, और फिर 8 से 10 ये पुदीने की पत्तियां धुलकर अच्छी तरह से साफ करके आप इसमें डाल दें। एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पर दालचीनी का इसमें डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास दालचीनी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर 1/2 चम्मच यहाँ पर हम ये चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 या 1 चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग इस काढ़े को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के इसमें डाल दूंगी ये शक्कर, और अब बस आप इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबालिए। और दोस्तों, ये काढ़ा आपको 15 मिनट तक तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी आधा नहीं रह जाता। बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, आप अपने बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए आप इस काढ़े को पकाते जाइए। तो यहाँ पर जब ये काढ़ा इस तरह से बन जाए तो इस काढ़े को हल्का गर्म हर सुबह खाली पेट चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ये काढ़ा हार्ट से संबंधित बीमारियों को दूर करेगा, कई तरह के वायरस बैक्टीरिया से दूर रखेगा,
सर्दी, फ्लू, खांसी की समस्या को दूर करेगा, एसिडिटी, कब्ज हो तो उसे दूर करेगा। साथ ही ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देगा कि आपको कोई रोग छू नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी बस यहीं तक। अभी के टाइम के लिए ये काढ़ा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण औषधि है, जरूर इसका अपने जीवन में प्रयोग करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।